हेलो गाइस, वेलकम टू कदिया मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ कुलशन झा। फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी हॉस्पिटल्स, एनबी डिप्लोमा हॉस्पिटल्स, ओपन स्टेट्स कॉलेजेस फॉर मैनेजमेंट सीट्स एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। सो इस वीडियो में हम रेडियो डायग्नोसिस को लेकर के कंपेरिजन करने वाले हैं कि ऑल इंडिया कोटे में किस रैंक तक और किस मार्क्स तक हमें मिल सकती है 2024 की काउंसलिंग में। अगर हमें ऑल इंडिया कोटा नहीं मिलती है, इन दैट केस व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव फॉर डीएनबी, डीएनबी में हमें किस रैंक किस मार्क्स तक मिल सकती है। अगर हमें डीएनबी भी नहीं मिलती एंड वी हैव ऑप्शन फॉर एनबी डिप्लोमा, अगर वो ऑप्शन हमारे पास है, इन दैट केस एनबी डिप्लोमा में हमें डीएमआरडी किस रैंक तक किस मार्क्स तक मिल सकती है। अगर हमें वो नहीं लेनी है, एनबी डिप्लोमा नहीं लेनी है, या फिर हमें वो भी नहीं मिलती है, इन दैट केस वी हैव द ऑप्शन ऑफ प्राइवेट एंड डीम्ड इंस्टीट्यूशंस। सो ऑब्वियसली व्हाट आर ऑल द ओपन यूनिवर्स ओपन स्टेट्स, उन ओपन स्टेट्स में हमें रेडियो डायग्नोसिस किस फीस में, किस रैंक और किस मार्क्स पे मिल सकती है, एंड ऑल्सो ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास इन केस वी चूज टू गो फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगा, इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट बी अपडेटेड विद ऑल द अपडेट्स कमिंग फॉर नीट पी 2024 काउंसलिंग या फिर एग्जाम, यू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर कीपिंग योर सेल्फ फर्दर अपडेटेड। एट द सेम टाइम आप इस वीडियो को सेव कर लें, सो दैट इन फ्यूचर वंस द एग्जाम विल बी डन, दिस वीडियो गोना हेल्प यू अ लॉट रिगार्डिंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन अ सिंगल प्लेस कट ऑफ एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स रिक्वायर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीसी काउंसलिंग। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू टाइप ऑफ काउंसलिंग, एक एमसीसी काउंसलिंग होती है एंड द सेकंड वन इज द स्टेट कोटा काउंसलिंग। सो एमसीसी काउंसलिंग कवर्स ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, दैट इज ऑल इंडिया 50% सीट फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, 50% सीट। सेकंड वन इज डीएनबी 100% सीट्स एंड एनबी डिप्लोमा 100% सीट्स, वेयर एज डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी 100% सीट भी एमसीसी काउंसलिंग में ही होती है। सो इफ यू आर वी वांट टू अप्लाई फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग डीएनबी या फिर एनबी डिप्लोमा या फिर डीम, सो वी विल हैव टू अप्लाई फॉर एमसीसी काउंसलिंग। फॉर दैट द वेबसाइट इज www.mcc.nic.in, राइट। तो सबसे पहले एमसीसी काउंसलिंग में हम ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स में रेडियो डायग्नोसिस देयर आर चांसेस कि 6,300-6,400 रैंक तक हमें मिल जाए टिल थर्ड राउंड। आई एम टॉकिंग अबाउट टिल थर्ड राउंड, ये फोर्थ राउंड तक भी जा सकती है सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियो। सो 565 मार्क्स या उससे ज़्यादा होने पर वी हैव डिसेंट चांसेस कि हमें रेडियो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में मिल जाए। अगेन अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इट्स इट कैन वी कैन गेट अप टू 5,300-5,400 रैंक, मतलब 565-570 या उससे ज़्यादा होने पे वी हैव डिसेंट चांसेस। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 9,100 रैंक तक मिल सकती है। नाउ 450 मार्क्स तक भी हमें मिल सकती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो अप टू 13,500-13,600 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मार्क्स अगर देखें तो 515-525 मार्क्स तक मिल सकती है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 24,700-24,800 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 470-475 से ज़्यादा मार्क्स होने पर हमें ऑल इंडिया कोटे में एसटी कैटेगरी में रेडियो मिल सकती है। इन केस हमें ऑल इंडिया कोटे में नहीं मिलती है तो हम डीएनबी ऑप्शन देखेंगे। अगर हमें ऑल इंडिया कोटे में नहीं मिलती है तो वी हैव चांसेस ऑफ अवर होम स्टेट स्टेट कोटा काउंसलिंग, जो स्टेट की 50% सीट होती है गवर्नमेंट की, बट उसको हम मान के चल रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटे में नहीं मिल रही है तो देयर आर कुछ चांसेस हो सकते हैं कि स्टेट में भी ना मिले। सो हम डीएनबी को लेकर के चल रहे हैं। डीएनबी में आपको जो रेडियो है फॉर यूआर कैटेगरी 6,600-6,100 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 560-565 मार्क्स तक या उससे ज़्यादा मार्क्स होने पे आपके पास चांसेस है कि आपको मिल जाए। देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देवर नो सीट लास्ट टाइम, वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस टाइम दे विल गिव सम सीट्स अंडर यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑल्सो इन डीएनबी। ओबीसी की बात करें तो 5,700-5,800 रैंक तक मिल सकते हैं, दैट इज 560-565 मार्क्स होने पर या उससे ज़्यादा मार्क्स होने पे हमें डीएनबी रेडियो अंडर ओबीसी कैटेगरी मिल सकती है। देन एससी कैटेगरी अप टू 10,900 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 530-535 मार्क्स या उससे ज़्यादा होने पर हमें मिल सकते हैं। एंड अगेन एसटी कैटेगरी में डीएनबी में देवे नो सीट लास्ट ईयर इन 2023, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार जो है
एसटी कैटेगरी को भी कुछ सीटें मिलेंगी। नाउ इन केस हमें डीएनबी भी नहीं मिलती है, वी हैव द ऑप्शन ऑफ एनबी डिप्लोमा। नाउ एनबी डिप्लोमा इज अ डिप्लोमा कोर्स, ऑब्वियसली डीएनबी एक डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा एक डिप्लोमा कोर्स है। इफ यू वॉन्ट टू बिकम इक्विवेलेंट टू डिग्री कोर्स आफ्टर डूइंग डिप्लोमा, तो आपको डीएनबी पीडीसीईटी की एग्जाम देकर के एंड देन यू विल हैव टू अटेंड द काउंसलिंग और 2 साल की और कोर्स करनी होगी टू बिकम इक्विवेलेंट टू डिग्री कोर्स, अगर आप डिप्लोमा चूज करते हो। बट इन डिप्लोमा के लिए क्या है, अगर आपको डीएमआरडी चाहिए अंडर यूआर कैटेगरी, देन 16,300-16,400 रैंक अगर आपके रहते हैं तो यू हैव डिसेंट चांसेस कि आपको मिल सकती है। दैट इज 5,500-510 मार्क्स होने पे आपके पास चांसेस हैं कि आपको मिल सकती है। अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 14,400-14,500 रैंक होने पर आपको जो है डीएमआरडी मिल सकती है, दैट इज 515-520 मार्क्स होने पे आपको मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी 17,000-17,100 रैंक होने पे आपको मिल सकती है, दैट इज 500-505 मार्क्स होने पे। एससी कैटेगरी 41,800-41,900 रैंक रहने पे आपको मिल सकती है डीएमआरडी, दैट इज 415-420 मार्क्स होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 86,000-86,100-86,200 रैंक तक भी मिल सकती है, दैट इज 315-320 मार्क्स होने पे भी आपको डीएमआरडी मिल सकती है। नाउ हम ये एनबी को चूज करने की जो एक सबसे बड़ी रीजन होती है वो उसकी फीस स्ट्रक्चर होती है। एनबी डिप्लोमा की जो फीस स्ट्रक्चर है वो किसी भी हॉस्पिटल की आइदर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट की जो है वो 1,25,000 पर एनम होती है। बट इन केस वी डोंट चूज टू गो फॉर डिप्लोमा कोर्स, वी हैव टू वी आर लुकिंग ओनली फॉर डिग्री कोर्स, अगर हम डिग्री कोर्स के लिए ही जाना चाहते हैं और हमें डीएनबी या ऑल इंडिया कोटे या फिर स्टेट कोटे से गवर्नमेंट नहीं मिलती है, देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। सो प्राइवेट कॉलेजेस में जब हम अप्लाई करते हैं तो वी हैव रेंजेस ऑफ फीस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। नाउ स्टेट्स में अगर देखें तो सबसे कम फीस जो है वो आंध्र प्रदेश की है, विच इज 9,50,000। एज आई टोल्ड यू आई एम कवरिंग ऑल द ओपन स्टेट्स के बारे में ही मैं कवर कर रहा हूँ जिसके लिए आप एलिजिबल होगे, राइट। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो 9,50,000 पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, वहां पे कैट बी सीट्स होती हैं जिनके लिए आप एलिजिबल होगे, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी एलिजिबल होंगे। बट वहां पे 5,200-5,300 रैंक तक आपको रेडियो डायग्नोसिस मिल जाती है, दैट मीन्स कि 575 मार्क्स होने पे आपको वहां पे मिल सकती है। बिहार की बात करें मैनेजमेंट सीट की जो फीस है वो 45 लाख पर एनम है, बट वहां पे आपको रेडियो डायग्नोसिस 51,000-51,100 रैंक तक भी मिल सकती है, दैट इज 390-395 मार्क्स होने चाहिए। हरियाणा की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा की वो कहीं ना कहीं आपकी रैंक जो फीस है वहाँ की वो 14 लाख पर एनम टू 40 लाख पर एनम वेरी करती है। सो कुछ कॉलेजेस की 14 लाख है, देन 40 लाख भी है एक दो कॉलेज की, एक कॉलेज की 40 लाख पर एनम की भी फीस है। वहाँ की बात करें तो अप टू 35,100-35,200 रैंक तक आपको रेडियो डायग्नोसिस मिल जाएगी, दैट इज 435-440 या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 33.39 लाख पर एनम की फीस है, 45,700-45,800 रैंक तक आपको हिमाचल प्रदेश में मिल सकती है, दैट इज 405-410 मार्क्स होने पे आपके पास डिसेंट चांसेस होंगे। कर्नाटका वन ऑफ द ओपन स्टेट्स, डिमांडिंग ओपन स्टेट, जहाँ पे वन ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स हैं ना, वहाँ पे जो कुछ कॉलेजेस हैं उनकी फीस 12 लाख पर एनम है, वहाँ पे आपको 18,300-18,400 रैंक तक ओपन सीट पे मिल सकती है। फॉर द कॉलेज इज हैविंग अ फीस स्ट्रक्चर ऑफ 12 लाख पर एनम, दैट इज 495-500 मार्क्स होने पे आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। वहीं पे कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 12 लाख नहीं ज़्यादा है और उन कॉलेजेस बट वो भी ओपन कोटा के अंदर ही आते हैं, उनकी फीस अप टू 60 लाख पर एनम है, लाइक 30 लैक्स टू वेरी करके 60 लाख पर एनम है। वहाँ पे आपको फिर रेडियो जो है वो 1,10,000-1,11,000 रैंक तक भी मिल सकती है, दैट इज 270-275 मार्क्स होने पे भी आपको रेडियो वहाँ मिल सकती है। और कर्नाटका में ही एक क्यू कोटा सीट्स हैं जिनकी फीस काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 75 लाख पर एनम टू 1 करोड़ पर एनम वेरी करती है, बट वहाँ पे आपको जो रेडियो है वो 1,65,000-1,66,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 180-185 मार्क्स या 175 मार्क्स होने पे भी देर आर चांसेस कि आपको रेडियो वहाँ पे मिल जाए। पांडिचेरी की बात करें तो 22.7 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, जहाँ 33,400 या 33,500 रैंक तक मिल सकती है, 440-445 मार्क्स होने पे आपको पांडिचेरी में मिल सकती है। सो इफ यू बिलोंग्स टू साउथ यू हैव अ ऑप्शन ऑफ पांडिचेरी ऑल्सो, राइट। राजस्थान की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ फीस स्ट्रक्चर देयर इन राजस्थान, एक तो ऑल इंडिया कोटे की फीस स्ट्रक्चर है जिसकी फीस 32.5 लाख पर एनम से 90 लाख पर एनम वेरी करती है, बट वहाँ पे रेडियो आपको 1,02,000
1,03,000 रैंक तक मिल सकते हैं, दैट इज 280-285 मार्क्स होने चाहिए। और राजस्थान में ही एक मैनेजमेंट कोटा की सीट है जिनकी फीस स्ट्रक्चर 56 लाख पर एनएम से 1 करोड़ 20 लाख पर एनएम तक वेरी करती है, बट वहां पे भी आपको जो है वो 1 लाख रैंक तक, 1,01,000 रैंक तक आपको जो है वो रेडियो मिल सकती है। 280-285 मार्क्स अगेन जो है वो आप लाओगे तो देयर आर चांसेस कि आपको राजस्थान में सीट मिल सकती है। नाउ सिक्किम की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीट्स सिक्किम में भी, अगर बात करें मणिपाल सिक्किम, तो एक तो 30 लाख पर एनएम की है जिसे जनरल कोटा कहते हैं, सो उसके लिए 14,600-14,700 रैंक पे वो तक वो ही तक ही वो जाती है। सो 510-515 मार्क्स होने पे आपको 30 लाख पर एनएम वाली फीस वाली जो कॉलेज है जो सीट है वो मिल सकती है। बट एक दूसरी सीट है मैनेजमेंट सीट जो 57 लाख पर एनएम की है, एंड फॉर दैट वो भी 17,000-18,000 रैंक तक ही मिलती है। सो 500-505 मार्क्स वुड बी अ डिसेंट मार्क्स फॉर दैट। तमिलनाडु की बात करें तो काफी कॉम्पिटिटिव स्टेट है, 15.50 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है, बट वहां पे जो मैनेजमेंट कोटा की सीट है वो बहुत ही हाई जाती है। सो कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट है, 2,600-2,700 रैंक तक ही मोस्ट प्रोबेबली वहां पे रेडियो की सीट जाती है क्योंकि फीस स्ट्रक्चर कम है, एंड 585-590 मार्क्स जो है वो उसके लिए अगर आप लेके आते हो तो आपको मिल सकती है। तेलंगाना की बात करें तो 24 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है जहाँ पे 19,700-19,800 रैंक तक रेडियो मिलती है, 490-495 मार्क्स लाने पे आपको वहाँ पे रेडियो मिल सकती है। उत्तराखंड की फीस स्ट्रक्चर अप टू 30 लाख पर एनएम है, 29 and 30 लाख पर एनएम है, और यहाँ पे उत्तराखंड में 19,100-19,200 रैंक तक जो है वो रेडियो मिल जाती है। That means कि 485-490 मार्क्स होने पे आपको यहाँ पे रेडियो मिल सकती है। यूपी की बात करें तो 40 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है, अप टू 40 लाख पर एनएम, कुछ 24 लाख पर एनएम की भी फीस स्ट्रक्चर है, एंड देन 40 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है, बट अगर सभी को लेकर के चलें तो 36-37,000 रैंक तक आपको यहाँ पे रेडियो मिल सकती है। इन दैट केस 430-435 मार्क्स होने पर भी आपको यहाँ पे रेडियो मिल सकती है। वेस्ट बंगाल की बात करें 26 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है, 27,000-28,000 रैंक तक रेडियो मिल सकती है। 460-465 वुड बी द मार्क्स जो अगर आप लेके आते हो तो देयर आर डिसेंट चांसेस कि 26 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर में आपको वेस्ट बंगाल में रेडियो मिल जाए। अब जब ये ओपन स्टेट्स खत्म हो गई तो इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आती है, जो अगेन डीम्ड यूनिवर्सिटीज एज आई टोल्ड यू एमसीसी की काउंसलिंग के अंदर ही कवर होती है। सो डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में दो तरीके की सीट है, एक नॉर्मल सीट और एक एनआरआई सीट। नॉर्मल सीट की बात करें तो उनकी जो मैक्सिमम फीस है रेडियो की वो 65 लाख पर एनएम है, जिस पे 60,000 रैंक तक आपको रेडियो मिल जाती है, दैट इज 370-375 मार्क्स आने पे आपको 65 लाख की फीस में रेडियो ड्रीम यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगी। बट अगर आप वहाँ के एनआरआई सीट्स की बात करो तो वो वेरी करते हुए 95 लाख पर एनएम, 1 करोड़ पर एनएम तक वेरी करती है, एंड फॉर दैट 1,37,000-1,38,000 रैंक तक रेडियो डायग्नोसिस डीएनबी डीम्ड की एनआरआई सीट पर मिल सकती है, दैट इज 225-230 मार्क्स तक भी आपको वहाँ पे रेडियो मिल सकती है। सो अब ये जो है ये हो गई कंपैरिजन, किसमें किसमें हमने ऑल इंडिया कोटे की भी बात की, डीएनबी की भी बात की, एनबीए डिप्लोमा की भी बात की, ओपन स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात की, एंड हमने डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी बात की। एज आई टोल्ड यू, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एज आई टोल्ड यू कि आप इस वीडियो को सेव कर लो जिससे कि फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, वंस द एग्जाम विल बी डन यू विल बी वेल अवेयर विद द मार्क्स कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ऑन बेसिस ऑफ दैट आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर कीपिंग योरसेल्फ फॉर द अपडेटेड। बाकी जो वेबसाइट की लिंक, ब्लॉग की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, सभी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू गाइस।